पिंकी मलिक, गांव राखी गढ़ी, जिला हिसार, हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मोदी जी अपने कानून, तीनों कानून वापिस ले लो। किसाना ने आज 55वां दिन हो गया बैठा ने, इतनी सर्दी में कोई बैठ के देखो मोदी 55 मिनट बैठ के देखो, सड़कों पर इतनी ठंड हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज, बूढ़े, बुजुर्ग सभी वहाँ पर जा रहे हैं। मोदी जी कुछ तो शर्म करो आप, है इतनी ठंड में इतनी ज़्यादा लोग बैठे हैं वहाँ पर, बहुत करोड़ों की संख्या में लोग जा चुके हैं। लेकिन मोदी जी आपने 26 तारीख से पहले कुछ समाधान नहीं कराया किसान का, अपने तीनों कानून, काले कानून वापिस नहीं लिए, लेकिन 26 तारीख को नहीं किसान दिल्ली में परेड करेंगे अपने ट्रैक्टरों पर जाके ना। मोदी जी 26 तारीख से पहले किसानों का कुछ समाधान कर दो। खट्टर जी आपसे भी अनुरोध है, दुष्यंत जी से भी अनुरोध है कि कुछ तो करो, हमने दुष्यंत जी को बहुत उम्मीद से बनाया था, हमने वोट भी मांगे थे, दिए भी थे, सपोर्ट भी करी थी, लेकिन ताऊ देवीलाल का रूप देखा था उसमें, लेकिन उसमें वो रूप पाया नहीं, वो मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गया दुष्यंत चौटाला। और वो नैना चौटाला भी बार बार आती थी, अरे चुनड़ी चौपाल भी लेडीज जाके ये करूँगी ये करूँगी, उसने क्या कराया? उसने वो लेडीज नहीं दिखती दिल्ली में जा रही है इतनी संख्या में, वो क्या कर रही है? कुछ भी ना कर रही, वो अपने बेटे ने समझा नहीं सकती, वो इतनी माओ के लाल हैं वहाँ पर, इतनी माओ के लाल एक्सपायर भी हुए हैं दिल्ली में, लेकिन उसने कुछ नहीं है, कोई सोच नहीं है जनता की, जनता के बिना उनके पास क्या है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हरियाणा चेतना न्यूज किया खबर जो आपको पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घनी सी शेयर करियो। राम राम।